सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अविरत चैनल को, बेल बटन पे क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए सबसे पहले टेक वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वीवो जेड वन प्रो पे तो नया अपडेट वीवो इंडिया ने बहुत सारा पुश करता है, बट उसमें बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम अभी भी है। मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया हूँ, आई कार्ड पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। अभी तक अगर नहीं देखे हैं जरूर जाके एक बार चेकआउट कर लेना। मैं वहां पर जो मेजर प्रॉब्लम्स है मैं डिस्कस किया था, बट एक प्रॉब्लम ऐसा है जो पहले दिन पे जो अपडेट आया था, अभी तक जो अपडेट आ रहा है उसमें वो प्रॉब्लम वीवो इंडिया ने अभी तक जेड वन प्रो पे जो अपडेट दिया है उसमें फिक्स नहीं कर पाया है। आज इस वीडियो में उसके बारे में ही डिस्कस करूंगा, बैटरी ड्रेनिंग इशू। देखो भाई, बैटरी ड्रेनिंग इशू पहले भी था, अभी भी है, मे भी थोड़ा बहुत फिक्स हुआ है, बट अभी भी ऐसा चीज हो रहा है कि अपडेट करने के बाद मोबाइल को लॉक करके रख रहे हो, नॉर्मल स्टैंड बाई मोड पे 2-3% चार्ज कम हो जा रहा है, या फिर चार्ज में फोन को लगा के 100% किए हो, मोबाइल को डिस्कनेक्ट किए हो, उसके बाद मोबाइल को रख दिए हो, उसके बाद भी ऑटोमेटिकली चार्ज पड़ जा रहा है। ये चीज बहुत ही घटिया चीज हो रहा है, मुझे पता नहीं है वीवो इंडिया क्यों नहीं फिक्स किया है। आज इस वीडियो पे मैं बताऊंगा 2-3 ट्रिक्स, जिस ट्रिक्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग का जो बैटरी ड्रेनिंग इशू है कुछ हद तक कम हो जाएगा। टोटल अगर कंप्लीटली बंद करना चाहते हो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन आप लोग को दूंगा इस वीडियो पे, डिटेल्स में वो बता दूंगा, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीटली देख लेना, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे इस चीज को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नया है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर क्लिक कर देना, बगल पे बेल आइकन पे ऑल जरूर क्लिक करना, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है बस लाइक जरूर करना। देखो भाई, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, इससे पहले दिन जो मैं वीडियो डाला था उसमें लगभग 1K व्यूज आ चुका है, और आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं भाई, ये तो फ्री है। मैं आप लोग को ये चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ज्यादा मोटिवेशन आता है, इतना मतलब जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते हैं, आप लोग उस इन्फॉर्मेशन से अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है भाई। देखो भाई, आप लोग हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उस चीज से आप लोग अगर हेल्प मिलता है तब जाके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो भाई ठीक है मत कीजिए, बट अगर आप लोग को उस इन्फॉर्मेशन से हेल्प हो रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो पहले ये चीज है, क्यों बोल रहा हूं, अभी मेरे चैनल पे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। रियली रियली थैंक्स टू यू ऑल गाइस जो मुझे सपोर्ट किए हो सब्सक्राइब करके, और दुर्गा पूजा आने के पहले ही आप लोग मुझे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके दिए हो। ऐसे ही चैनल ग्रो होता रहेगा तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे नया नया वीडियो, नया नया टॉपिक ले आने के लिए, और रियली रियली थैंक्स अ लॉट एंड हैप्पी दुर्गा पूजा टू यू ऑल। बहुत अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करो, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबके साथ एंजॉय करो। मे बी COVID-19 है, बट फिर भी एटलीस्ट दुर्गा पूजा कोलकाता का, आई एम अ बंगाली, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, तो जरूर एंजॉय करना। तो अभी का जो टॉपिक है बैटरी ड्रेनिंग इशू वीवो जेड वन प्रो का, तो मैं जो इसका हल निकल के लेके आया हूँ, मे बी आप लोग को पता होगा और मे बी नहीं पता है, जिसको पता है आप लोग यहाँ पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर जिसको पता नहीं है डिटेल्स में सुन लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिस ट्रिक्स को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग का बैटरी ड्रेनिंग इशू कम हो जाएगा, और ऐसा एक इन्फॉर्मेशन दूंगा जिस ट्रिक नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग का जो बैटरी ड्रेनिंग इशू है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। फिर से मेंशन कर रहा हूँ, कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। तो पहले जो ट्रिक्स है वो मैं बता देता हूँ, ये ट्रिक्स आप लोग घर पे बैठ के खुद कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में मैं स्क्रीनशॉट वगैरह, स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह दिखा दूंगा, आप लोग ध्यान से देख लेना, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप लोग अपडेट कर चुके हैं, आप लोग का बैटरी ड्रेनिंग इशू हो रहा है, तो आप लोग एक चीज पहले करना, आप लोग प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाके डिजिटल वेलबींग बोल के सर्च करना, वहां पर एक्शन डैश बोल के आप लोग को एक APK फाइल मिलेगा, मतलब एक फाइल मिलेगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। आप लोग बोलेंगे भाई आप लोग के फोन पे तो डिजिटल वेलबिंग है, ठीक है, फिर अगर आप लोग के फोन पे डिजिटल वेलबिंग है उससे भी कम चल जाएगा, बट इसको मैं अलग से इंस्टॉल करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ आगे वीडियो पे आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप लोग जब प्ले स्टोर से वो फाइल डाउनलोड कर लेंगे, ओके फाइन, अगर डाउनलोड नहीं किए हैं, आप लोग के फोन पे डिजिटल वेलबिंग है अपडेट करने के बाद आप लोग को मिल चुका है, तो आप लोग सिंपल सेटिंग्स पे जाना, यहाँ पर मैं साइड में दिखा दूंगा, सेटिंग्स में जाके आप लोग को ढूंढने से भी मिल जाएगा, या फिर ऊपर में सर्च करेंगे डिजिटल वेलबिंग तो आप लोग को वहां पर मिल जाएगा। तो डिजिटल वेलबिंग में जाके आप लोग को पहले जो चीज करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को चेक करना पड़ेगा आप लोग के बैकग्राउंड पे क्या क्या चीज चल रहा है, क्या क्या चीज आप लोग के सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है।
वो चीज का एक लिस्ट बना लेना है। उसके बाद वहां पर आप लोग को एक फोकस मोड बोल के एक ऑप्शन आएगा। उस फोकस मोड में आप लोग को जाने के बाद जो भी एप्लीकेशन आप लोग का जरूरत है आप लोग यूज कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन आप लोग को ऑन करके रखना है। जो एप्लीकेशन आप लोग बहुत ही कम यूज करते हैं उसको फोकस मोड पे ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, आप लोग का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने से आप लोग का क्या फायदा होगा, वो जो बैकग्राउंड जो ऑप्टिमाइजेशन है जो अपडेट होने के बाद काम नहीं हो रहा है वो चीज आप लोग का वहां पर स्टॉप हो जाएगा। इससे बैटरी ड्रेनिंग इशू थोड़ा कम हो सकता है। मैं इस चीज को खुद फॉलो किया हूँ, मेरा बैटरी ड्रेनिंग इशू थोड़ा कम हुआ है। ये था फर्स्ट ट्रिक। उसके बाद आप लोग के फोन पे जाके सर्च करना, आप लोग अगर को ये ऑप्शन मिल जाता है ऑटो स्टार्ट बोल के, ये ऑप्शन के अंदर आप लोग जाके जितना भी एप्लीकेशन है सबको ऑफ कर देना, किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करके मत रखना। इसको ऑफ करने से आप लोग का होता क्या है, आप लोग अगर फोन को रिस्टार्ट वगैरह करते हैं या फिर आप लोग के फोन आइडल रहता है तो उसमें बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिकली कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है सबको ऑफ करके रखना है, एप्लीकेशन का ऑटो स्टार्ट ऑफ कर देना है। ये चीज जरूर एक बार चेकआउट करना, आप लोग के फोन पे अगर शो करता है तो इसको जरूर ऑफ कर देना। सेकेंड जो चीज है ये बहुत ही वाइटल है, आप लोग का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहां से आप लोग अगर मोबाइल से 4G यूज करते हैं या फिर वाईफाई से यूज कर सकते हैं, जहां पर से भी यूज करते हैं, आप लोग एक प्ले स्टोर से जाके इंटरनेट जो स्पीड मीटर होता है जो स्पीड टेस्ट नहीं करता है, जो आप लोग को यहाँ पर मैं साइड में दिखा दूंगा, जो इंटरनेट का जो आप लोग का एप्लीकेशन कंज्यूम करता है, कौन सा एप्लीकेशन ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है, कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है, वो चीज आप लोग को वहां पर डिटेल्स में दिखा देता है। उससे आप लोग का क्या फायदा होगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा आप लोग के फोन पे जो भी एप्लीकेशन आप लोग के परमिशन के बिना जो एप्लीकेशन आप लोग का इंटरनेट यूज करके बैटरी ड्रेन कर रहा है, उस एप्लीकेशन को आप लोग फोकस मोड पे जाके ऑफ करना, ताकि आप लोग का हेल्प हो जाएगा कि जो भी बैटरी ड्रेनिंग इशू एप्लीकेशन पे है, जो भी आप लोग एप्लीकेशन से बैटरी ड्रेन हो रहा है वो बंद हो जाएगा वहां पर। ये जो दो ट्रिक मैं बताया हूँ इसको मैं खुद पर्सनली फॉलो किया हूँ। इस ट्रिक को फॉलो करके भाई मेरा जो बैटरी ड्रेनिंग इशू है कुछ हद तक कम हुआ है। अभी जो मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोल दिया था, आप लोग अगर कंप्लीटली बैटरी ड्रेनिंग इशू बंद करना चाहते हैं तो एक सॉल्यूशन उसके लिए है। ये सॉल्यूशन आप लोग घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग को यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा कि आप लोग अगर अपडेट कर चुके हैं एंड्रॉयड 10 पे तो उसको रोल बैक करके आप लोग एंड्रॉयड 9 पे आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो चीज आप लोग को रिकमेंड करूंगा, मेरा एक फ्रेंड का विवो Z1 Pro वो सर्विस सेंटर पे विवो पे लेके गया था, वहां पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ा कि इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई मुझे जो एंड्रॉयड 9 का पुराना वर्जन था उसको ही फिर से यहाँ पर दे दो। तो वो लोग वहां पर बोला कि दो चीज बोला है, एक चीज बोला है अगर आप लोग एंड्रॉयड 9 पे बैक करेंगे, स्विच बैक करेंगे, तो आप लोग का जो अपडेट फ्यूचर में आएगा एंड्रॉयड 10 का मे भी थोड़ा लेट आ सकता है, ये चीज बताया था। और सेकेंड जो चीज बताया है वहां पर जो अपग्रेड मतलब जो डाउनग्रेड होगा, अपग्रेड तो नहीं है उसको डाउनग्रेड बोलते हैं, जो डाउनग्रेड होगा एंड्रॉयड 9 पे उसमें आप लोग को बैटरी ड्रेनिंग इशू में भी मिल सकता है, ये लोग वो बताया था। बट वो मेरा भाई जो अपडेट मतलब डाउनग्रेड किया है एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 9 पे, भाई उसका कम्प्लीटली बैटरी ड्रेनिंग इशू बंद हो चुका है। तो भाई ये एक सॉल्यूशन है, अगर आप लोग के अगल बगल पे घर के पास वीवो का सर्विस सेंटर है तो भाई वीवो के सर्विस सेंटर पे जाइए, वहां पर बोलिए कि भाई मुझे एंड्रॉयड 10 पे बहुत ही बैटरी ड्रेनिंग इशू हो रहा है, मुझे एंड्रॉयड 9 पे डाउनग्रेड करना है। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं, इस चीज को अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को गारंटीड बैटरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट आप लोग को एंड्रॉयड 10 नहीं मिलेगा, फन टच ओएस 10 नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि बैटरी ड्रेनिंग इशू ट्रिक को फॉलो करके कम करना चाहते हैं, तो पहले मैं बता दिया हूं उस ट्रिक को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग का बैटरी ड्रेनिंग इशू कम हो जाएगा। बट अगर मैं जो सॉल्यूशन बताया हूं जिससे आप लोग का बैटरी ड्रेनिंग इशू बंद हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग को एक चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड्रॉयड 10 और फन टच ओएस। तो इस चीज को अगर आप लोग सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो अभी के अभी सर्विस सेंटर पे जाइए, उस लोग को रिक्वेस्ट करना है, एक बार पे है वो लोग नहीं करता है, 5-10 बार आप लोग को रिक्वेस्ट करना है, तब जाके वो लोग डाउनग्रेड कर देता है एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 9। तो उस मतलब वो चीज होने के बाद गारंटीड आप लोग का बैटरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट मैं ये चीज बताऊंगा, अगर आप लोग उस चीज को करेंगे तो भाई आप लोग के लिए हेल्पफुल है,
बट जो ट्रिक मैं बताया हूँ इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप लोग का बैटरी ड्रेनिंग इशू कम हो सकता है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास था मैं आप लोग के साथ शेयर कर दिया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो को शेयर जरूर करना। और इसके बाद भी अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। टाटा।